नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ। इन दिनों सोशल मीडिया लड़के लड़कियों के लिए, उनसे मिलने के लिए, एक दूसरे के करीब आने के लिए, एक दूसरे को जानने के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बना हुआ है। खासकर अगर प्यार की बात करें तो आजकल का प्यार तो सोशल मीडिया पर ही हो जाता है, फिर लोग एक दूसरे से मिलते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ बिहार में। जी हाँ, फेसबुक पर दोस्ती हुई, व्हाट्सएप पर प्यार का इजहार हुआ और आखिरकार मिलकर इस लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हुई। लेकिन हैप्पी एंडिंग बेहद अलग थी। अलग इसलिए क्योंकि इस लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग कहीं किसी मंदिर में, किसी मंडप पे या फिर परिवार वालों के सामने घर पर नहीं हुई, बल्कि थाने में हुई। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन दिनों प्रेम विवाह का सबसे बड़ा जरिया बन रहा है। इन साइट्स के जरिए ना केवल अजनबी एक दूसरे से परिचित हो रहे हैं, बल्कि दिल देने में भी देर नहीं कर रहे। ऐसे ही एक मामला बिहार के सहरसा जिले से सामने आया है, जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शुरू हुई पहचान शादी के बंधन में बंधी, लेकिन पुलिस की मदद से और थाना परिसर स्थित मंदिर में ही। अजब प्रेम की गजब कहानी उस वक्त देखने को मिली जब मधुबनी जिले के रहने वाली युवती प्रिया भारती सिमड़ी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले अपने प्रेमी आदित्य राज के घर पहुंची और शादी करने का दबाव बनाने लगी, लेकिन प्रिया का प्रेमी शादी करने से इनकार कर गया। ऐसे में दिल का मामला थाने सिमड़ी बख्तियारपुर तक जा पहुंचा। इसके बाद काफी मशक्कत और हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद थाना परिसर के मंदिर में प्रेमी जोड़ी की शादी कराई गई, जिसकी गवाह खुद सिमड़ी बख्तियारपुर थाना की पुलिस बनी। दरअसल मधुबनी जिले के रहने वाली युवती प्रिया भारती की पहचान फेसबुक पर सहरसा जिले के सिमड़ी बख्तियारपुर के रहने वाले युवक आदित्य राज से हुई। इसके बाद दोनों में पहले बातचीत और फिर प्यार हो गया। दोनों का प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि वो घर से भाग कर मधुबनी से सिमड़ी बख्तियारपुर आ गई। प्रिया आदित्य नामक युवक के घर पर पहुंच गई और शादी के लिए अड़ गई। लोगों की भीड़ जमा हुई, फिर हाई वोल्टेज ड्रामा के बीच पुलिस ने थाना परिसर स्थित शिव मंदिर में दोनों की शादी करा दी। प्रिया ने बताया कि फेसबुक पर हुई दोस्ती के बाद व्हाट्सएप पर मैसेज की चैटिंग शुरू हुई। काफी दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। बातचीत के बाद वीडियो कॉल भी होने लगा और लड़के उसके घर भी आने जाने लगा। दोनों के बीच रिश्ता भी बन गया। इस फेसबुकिया प्रेम की शुरुआत 5 वर्ष पूर्व हुई थी। सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद थाना क्षेत्र के हटिया गाछी निवासी आदित्य राज से के मुकरने पर मौजूद भीड़ को लड़की ने अपनी आपबीती सुनाई। इस बीच युवती भीड़ के बीच युवक को बुलाने की मांग करती रही। अंततः 3 घंटे हाई वोल्टेज ड्रामा चलने के बाद भी युवक के घर वालों ने घर का दरवाजा नहीं खोला, जिसके बाद स्थानीय पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। पुलिस इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए लड़की को थाने ले गई। बाद में प्रेमी युवक आदित्य राज को थाना बुलवाया गया, जहां वो युवती से शादी करने पर राजी हो गया। दोनों की शादी थाना परिसर स्थित शिव मंदिर में कराई गई, जिसका साक्षी सिमरी बख्तियारपुर थाना के पुलिस और स्थानीय लोग भी बने। एक दोस्ती की शुरुआत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के फेसबुक से हुई। फिर क्या था, दोस्ती प्यार में तब्दील व्हाट्सएप चैटिंग के दौरान हुई। प्यार परवान चढ़ा, दोनों एक दूसरे से मिल गए, रिश्ता भी बन गया। 5 साल ये सब कुछ चला, लेकिन जब लड़की ने लड़के से शादी की बात कही तो लड़का मुकर गया। उसने कहा कि वो शादी नहीं करना चाहता। फिर क्या था, लड़की लड़के के घर पहुंच गई, जिसके बाद हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ और 3 घंटे तक चलने वाला ये ड्रामा आखिरकार थाने में जाकर खत्म हुआ। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से थाने के परिसर में दोनों की शादी शिव मंदिर में कराई गई। लड़के को राजी किया गया और इस लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो गई। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।